सो यहाँ पे पुलिस वाले ने रोका है। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज नदीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विकेट राइडर। सो आज है 21st, एज यू नो कि मैंने ऑलरेडी अपडेट किया था लास्ट वाली राइड में कि आई विल बी गोइंग टू कन्याकुमारी। सो टुडे इज 21st, तो अभी हम लोग यहाँ से मेकरी सर्कल पे मीटअप पॉइंट है, वहाँ से सीधे निकल जाएंगे। ऑलरेडी 6 बजे का प्लान था, जो 5 डेज की राइड का प्लान है उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। सो फर्स्ट डे विल बी इन पौंडीचेरी, तो आज यहाँ से बेंगलोर से जा रहे हैं हम लोग पौंडीचेरी, और वहाँ पे जो भी अच्छी सी लोकेशंस रहेंगी वहाँ पे घूमेंगे, और उसके बाद में देन फ्रॉम पौंडीचेरी विल बी गोइंग टू रामेश्वरम ऑन 22nd। तो रामेश्वरम में 22nd को पहुँच जाएंगे हम लोग, और उसके बाद में रामेश्वरम के बाद हम लोग जाएंगे कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी से हम लोग जाएंगे कोडाईकनाल एंड कोडाईकनाल से बैक टू बेंगलोर 25th को। रेस्ट्रिक्शन अभी हट चुका है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। आप लोगों को अगर तमिलनाडु एंटर करना है देन यू नीड टू गेट एन ई पास, अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन एंड यू कैन ईजिली गेट इट। तो अभी जल्दी से मीटअप पॉइंट पे पहुंचते हैं क्योंकि लेट नहीं होना है। और सो ये रही अपनी बाइक, पीछे जो है सामान बन चुका है, थोड़ा सा बैक टेढ़ा हो गया। क्यों टेढ़ा हो गया भाई? इसको आई थिंक यहाँ से थोड़ा सा टाइट करना रहेगा। और राजेश भाई क्या बात। तो अभी आ गए हम लोग एमजी रोड, ये राइट साइड वाला चर्च स्ट्रीट एक्चुअली इसके पीछे वाला रोड का है। ये भी देख लो क्या सुनसान लग रहा है भाई, मतलब ये चीज अगर शाम में आओगे, शाम में मतलब पांव रखने की जगह नहीं रहेगी। पुलिस वाले आज क्या हो गया भाई, 7:30 बजे आके बैठे हुए, 9-10 बजे के पहले नहीं दिखते। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी फ्लाईओवर के एंड पे, और यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि ये वाला फ्री नहीं है। अभी टाइम कितना हो रहा है, 8:15। आप भाई गॉड, पूरा मैं जो अपना मीटर पॉइंट से निकला था वहाँ से लेकर पूरा जो बैंगलोर और होसुर जो ट्रैफिक वाला एरिया है उसको क्रॉस करने में लग गया हम लोगों को 1 घंटा 15 मिनट। ब्रेकफास्ट कृष्णागिरी क्रॉस करके यहाँ पे सोच रहे हैं हम लोग ब्रेकफास्ट कर लें, वैसे भी तमिलनाडु एंटर कर चुके हैं हम लोग। आ जाओ। तो जो हम लोग जो तमिलनाडु एंटर करेंगे दैट विल बी फ्रॉम कृष्णागिरी। कहाँ पे खड़ी करना है, इधर ही लगा देना। हाँ हाँ, और क्या। तो वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट राइट नाउ एट मैकडॉनल्ड्स। मैंने ये निकाल दिया साइड में, हो जाता है क्या चीज़? नहीं, ये साइड में प्लग निकाल दिया। हाँ तो हो जाएगा, हो जाता है। चलो चीयर्स। लंबी चलने वाली राइड, काफी दिनों की राइड है, ऐसे बहुत सारे चीयर्स आने वाले हैं। 5 दिन का राइड है, 5 दिन में पूरा मजा आएगा। ये अच्छा है। चलो भाई चलो निकलते फिर, अभी तो कोई चक्कर है नहीं। ऑल राइट, क्या पहाड़ी पड़ चुकी है यहाँ पे, मस्त लग रही लेफ्ट वाली, बहुत सही। इधर पे बिल्कुल टॉप पे खड़े होके फोटो खिंचवाना है। यहाँ से कृष्णागिरी आई थिंक थोड़ा सा किलोमीटर और दूर है, क्योंकि जब हम लोग रेस्टोरेंट के पास में रुके थे तो दैट वाज समवेयर अराउंड 29 किलोमीटर्स कृष्णागिरी दिखा रहा था। तो ये वाला एक्चुअली एरिया में पहले भी आ चुका हूँ। यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो राइट साइड में एक टोल पड़ जाता है, वहाँ से फिर डाइवर्जन है कृष्णागिरी के लिए। बट बहुत सही हो रखा है वेदर, एटलीस्ट ये चीज़ अच्छी है कि धूप नहीं है ज़्यादा, वरना अभी पता नहीं आगे क्या होगा। बट इंस्टाग्राम पे अगर आप लोगों ने नहीं फॉलो किया है देन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट विकेट राइडर ऑफिशियल। टोल रोड समाप्त, यहाँ से खड्डे वाली रोड शुरू होगी। गाइज वी आर 3 राइडर्स टुडे, तीनों के पास में परानी M10 है,
और हम लोग टेस्ट भी कर लेंगे साथ में, क्योंकि पहली बार का राइड है। एंड राजेश भाई बिल्कुल यो हनी सिंह। तो वी हैव क्रॉस्ड कृष्णागिरी और यहाँ से जो है स्ट्रेट 1.8 किलोमीटर जाके लेफ्ट डाइवर्जन। तो हम लोगों ने थोड़ा सा लेट राइड शुरू की थी, बट इट्स लाइक अभी थोड़ा सा हम लोगों ने कवर अप कर लिया है और यहाँ से 1.8 किलोमीटर बाद में एक डाइवर्जन पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग जब भी आए राइड करने के लिए वीकेंड पे, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला गर्मी होता है, लिटरली मतलब ऐसा हो जाता है कि पसीना तो मतलब बह रहा होता है। सो ये वाला हम लोगों ने मेन हाईवे से लेफ्ट साइड का डाइवर्जन ले लिया है और यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे पौंडी वाली साइड में। पर पड़ी है यहाँ पे, बट बहुत अमेजिंग लोकेशन पड़ा है ये वाला, और पूरा यहाँ से इंजॉय द व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। पूरा कोकोनट, ये कोकोनट वाली ट्री है ना, बहुत सही लग रहा है। चलो वाओ, अरे ध्यान नहीं दिया मैंने, साला अंडर ब्रिज से पहले कौन मतलब स्पीड ब्रेकर देता है, क्या नज़ारा है यार यहाँ से, मतलब पूरा पहाड़ी और इधर पूरा स्ट्रेट वाला रास्ता, उधर पूरा पहाड़ी दिख रहा है, बहुत ज़बरदस्त वाला। आई डोंट नो कि वहाँ से रास्ता जाएगा कि नहीं, बट अगर गया तो मज़ा आ जाएगा। सो यहाँ पे पुलिस वाले ने रोका है, आई थिंक कुछ एंट्री करके जाना रहेगा ना। ओके एंट्री कर देते हैं। तो वी आर एंटरिंग तिरुवनमलाई राइट नाउ, और यहाँ से तमिलनाडु में अभी भी ये रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट चेंज हो रहा है तो आप लोगों को ऐसा कुछ पोस्ट मिलेगा जहाँ पे आप लोगों को मतलब एंट्री करना पड़ेगा आपका मेन एड्रेस और जिस बाइक पे जा रहे हो, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो, तो ट्रैवल का रीज़न टूरिस्ट दिखा सकते हो, तो कोई ऐसा इश्यूज़ नहीं है। यहाँ पे कितना प्राइस है, 104, अभी रेंज दिखा रहा था 72, तो मैंने सोचा फिल करा लिया जाए पेट्रोल। ये बहुत हैवी राइडर चल रहा है हमारे आगे और इसको क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ये बस वाला तब से जगह ही नहीं दे रहा भाई। वी हैव एंटर्ड तिरुवनमलाई टाउन, और जो उस टाइम पे जो एंट्री ली गई थी वो डिस्ट्रिक्ट एंटर किए थे वहाँ पे, तो ये अच्छा लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा रोड वोड एटलीस्ट मेंटेन्ड है बीच में, वरना ऐसा ज़्यादा गंदा पैच पड़ा था कि मतलब वहाँ पे तो बिल्कुल हाथ दर्द करके ड्राइव करते करते। यहाँ पे तिरुमलाई जैन टेम्पल पड़ता है, काफ़ी फेमस है यहाँ का, तो उसकी वजह से काफ़ी सही है मतलब मेंटेन्ड किया गया है। तो अभी हम लोगों को गूगल आंटी ने बिल्कुल सिटी के बीचों बीच वाली रोड पर ला के पटक दिया है और हम लोगों को यहाँ से पता नहीं है कि कहाँ जाना है। गूगल आंटी ने बोला कि तुम्हें ऐसा रास्ता बताऊंगी कि किसी ने सोची ना होगी। तो यहाँ पे एक और चेक पोस्ट मिली एंड काफ़ी अच्छे थे पुलिस वाले, उन्होंने पूछा कहाँ से कहाँ 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 टूर करने जा रहे हो, सो अच्छा है, कोई इंटरप्शन नहीं थी एस एच, बस पूछा उन्होंने कि कहाँ से कहाँ राइड करने जा रहे हो, उन्होंने बताया तो वो भी काफ़ी इम्प्रेस से लगे कि इतना लंबा राइड के लिए टूर से मतलब बाइक से निकले हुए हैं, मतलब अभी तो मेन वाला राइड तो अभी बाकी है लद्दाख वाला, उसमें तो और ज़्यादा पता लगने वाला है। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहता है राइड में, यही चीज़ रहती है कि आपको बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए मिलती हैं। अभी यहाँ से जो पौंडीचेरी का डिस्टेंस है कुछ 90 किलोमीटर्स का रह गया है, काफ़ी टाइम बाद सही सा रोड मिला है। अब यहाँ से पौंडीचेरी दिखा रहे 37 किलोमीटर पिछले वाले बैनर में लिखा हुआ था। हो 7 बजे शुरू किए थे, 1:45 हो चुका है एंड लग चुकी है। What a lovely view, man! पूरा स्ट्रेट हो चुकी है रोड, मतलब पूरा फ्लैट फ्लैट ग्राउंड चल रहा है यहाँ पे, कोस्टल एरिया जस्ट 30 किलोमीटर है यहाँ से। अभी 2 बज चुका है, वही एस्टिमेटेड था कि
साढ़े सात घंटे में पहुंच जाएंगे। केएफसी दिख गया, केएफसी का खाने का मन कर गया यार। अपोजिट साइड में रुक जाते नहीं तो। वैसे भी 5 किलोमीटर रह गए बस अपना होटल। यहाँ आगे से है राइट। ओह बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही। नहीं गर्मी बहुत ज़्यादा है, गंदा वाला। All right guys, so we are going to Rock Beach और बाकी जगह अच्छी अच्छी लोकेशन पे, तो वहाँ पे शूट करेंगे। फ़ोटो शूट करने का वैसे प्लान है, ड्रोन अभी नहीं उड़ाएंगे, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है एंड सेटअप एंड ऑल। तो कल जो एक्चुअली रूट में जाने वाले हम लोग रामेश्वरम, वो वाला बहुत तगड़ा रूट है, तो वहाँ वाले ड्रोन शॉट आपको देखने को मिलेंगे कल वाले व्लॉग में। नाउ वी विल हेड टुवर्ड्स द बीच। बीच वाली वाइब्स हैं ब्रो, बीच वाली वाइब्स। सर्विस ओवरड्यू दिखा रहा है, 7936 हो चुका है। आई थिंक 10,000 पे कुछ सर्विस कराना पड़ता है। यहाँ से स्ट्रेट जाके जो है वो रॉक बीच पड़ जाता है। वी आर स्टेइंग इन फ्रेंच कॉलोनी, बहुत ही पास ही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पास है एक्चुअल जो मेन यहाँ का रॉक बीच है, प्रोमिनेट बीच है, जो मर्जी नाम से बुला सकते हो। और वी आर गोइंग टूवर्ड्स द एक्सट्रीम ऑफ रॉक बीच, जिससे कि फ़ोटोज ले पाएँ। मज़ा आ रहा है, बीच वाली वाइब्स आने वाली है। और यहाँ से क्या चीज़, पूरा फ्रेंच कॉलोनी है ना। हाँ ओ सेक्सी, फौड़ फौड़ बहुत सही है। और हम पौंडी की गलियों में, उमस ही उमस। सो यहाँ से अभी हम लोग रॉक बीच की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे देखेंगे शूट वूट करके, क्योंकि पता नहीं मतलब इधर साइड में बीच का एंट्री रहेगा कि नहीं, बट वी आर ट्राइंग टू फाइंड सम पीसफुल प्लेस। चलो देखते हैं इधर ऊपर से चढ़ के, एटलीस्ट कुछ तो न्यू व्यू आएगा। अच्छा लग रहा है जगह तो वैसे। ओ माय गॉड बहुत सही व्यू है। वाह ड्यूड बहुत सही जगह है, अच्छी जगह। आगे कहते कहते उधर वाला एक्चुअली वो बीच है, उधर साइड में प्रोमिनेंट बीच है। ये वाला जो है यार ड्रोन लेके आना था। बट वो विद बैग ही लेके आना पड़ेगा। ऑलराइट, तो हम लोग अभी यहाँ पे आए थे बीच पे और मज़ा आ गया। एक्चुअली हम लोगों का प्लान ये था कि जो भी क्राउडेड वाली प्लेस रहेगी उसको अवॉइड करेंगे। पूरे बच्चे लोगों का भीड़ उमड़ गया है। दिस इज फ्रेंच डेलिकेसीज कॉन्सेप्ट स्टोर। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन हैं अवेलेबल, आमंड पीच, सेबल चॉकलेट, ब्राउनी, चोको ब्राउनी, मफिन चोको, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ऑल राइट, सो वी हैव ट्राइड हियर क्रोसॉन और मोलेक्स और चॉकलेट, अच्छा था। बेकर स्ट्रीट है, यहाँ पे आप लोग आ सकते हो, अच्छा है। कोविड के चलते थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिले, बट इस जगह के बारे में सुना काफ़ी था। जो भी खाया अच्छा था, यू कैन ट्राई इट वंस, क्योंकि जो भी है सारा ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रेंच वाला है, तो खाने में तो अच्छा था। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस एंड उसके बाद करेंगे हम लोग डिनर। काफ़ी एग्जॉस्टिंग दिन था आज का। और रुक जाओ भाई रुक जाओ, यहाँ पे लोगों को बहुत जल्दी है, कहाँ जाना है। नहीं
ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग फाइनली होटल अपने पहुंच चुके हैं और मज़ा आ गया। बैंगलोर से हम लोग निकले थे 7 बजे और पौंडीचेरी हम लोग पहुँचे 2:15 पे। थोड़ा बहुत रेस्ट किया, देन उसके बाद में अगेन निकल गए थे हम लोग। यहाँ पे आसपास प्रोमिनेंट बीच है, एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा जगह अवॉइड कर रहे थे जिससे कि जो क्राउडेड वाला प्लेस है हम लोग उस पर ना जाएँ, तो उसके ही जस्ट बगल में था। आप लोगों ने जैसे देख लिया होगा आज के ब्लॉग में, मज़ा आ गया मतलब घूमने में, पूरा फोटोज़ सारी खींची है। तो जो भी फोटोज़ हैं वो आप लोगों को पता है कहाँ पे मिलेगी, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप लोगों को सारी फोटोज़ मिल जाएंगी। सो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन विकेट राइडर ऑफिशियल, जो अभी आप लोगों को पॉपअप में आ रहा है। और जो राइड होने वाली है दैट इज़ 5 डेज राइड। तो यहाँ से जो सेकेंड डे का राइड है, हम लोग कल मॉर्निंग में यहाँ से चेकआउट करेंगे, निकलने वाले हैं और वी आर गोइंग टू रामेश्वरम। सो रामेश्वरम में आप लोगों को पता है धनुषकोटी और वो सारा पंबन ब्रिज, तो बहुत अमेजिंग वाला व्यू आने वाला है। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड कल वाला व्लॉग जरूर देखिएगा एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। सो ऑलराइट, सो इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं और कल मिलेंगे नए दिन के साथ नए रास्ते पे। दिस इज विकेट राइडर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।